नमस्कार दोस्तों, ईवो का आईएस की डेली करंट अफेयर्स की क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज है 22 जून, तो चलिए बिना देर की हुए आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की घटनाओं पर चर्चा कर लेते हैं। हम यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट जो करंट अफेयर्स की न्यूज़ होती हैं उनको डिटेल में कवर करते हैं, साथ ही साथ हम उस न्यूज़ से जुड़ा हुआ MCQs भी एक सॉल्व करते हैं। इससे दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपकी एक बेहतर प्रैक्टिस हो जाती है और दूसरी चीज़ आप जान पाते हैं जो करंट अफेयर्स की न्यूज़ हम पढ़ रहे हैं उससे किस तरीके से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। MCQs का पैटर्न यहाँ पर उसी तरीके से रखा गया है जिस तरीके से आपके अब बदलते एग्जाम पैटर्न के अनुसार प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए अपनी क्लास को अब शुरू करते हैं। आज की पहली इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक से संबंधित। हाल ही में वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 जारी कर दिया गया है। अब ये जो सूचकांक जारी किया जाता है, अब इस सूचकांक से जुड़े हुए दो तरीके से प्रश्न बनते हैं। एक तो बनता है कि ये सूचकांक किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया जाता है और दूसरी चीज़ रैंकिंग के संबंध में होता है, खासकर भारत की क्या रैंकिंग है और विश्व में शीर्ष रैंकिंग किस देश की है। स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन और रैंकिंग दोनों को एक साथ में कंबाइन कर दिया जाएगा। तो देख लेते हैं विश्व ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के संबंध में। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा विश्व ऊर्जा संक्रमण सूचकांक को जारी किया जाता है, पहले स्टेटमेंट तो आपको यही याद रखना है। अगर रैंकिंग की बात करें तो स्वीडन इस वर्ष वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहा है और भारत की जो रैंकिंग है वो 63 यानी 63वें स्थान पर है। पिछले साल की बात करें तो भारत 67वें स्थान पर था, तो थोड़ी सी बेहतर स्थिति हुई है विश्व ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के संबंध में। ये तुलनात्मक रूप से भी कभी कभी स्टेटमेंट बना के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट इंडेक्स है तो आपको ये पता होना चाहिए। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक स्तर पर शीर्ष रैंकिंग इस बार स्वीडन को मिली है और भारत को 63वीं रैंकिंग मिली है। पिछले वर्ष जो मिली थी वो 67वीं रैंकिंग भारत को मिली थी। यहाँ पर WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा अन्य कुछ रिपोर्ट दी गई हैं जो आपके एग्जाम में लगातार पूछी जाती रही हैं। ये रिपोर्ट आप लोग याद कर लीजिए, इससे दो फायदे होंगे। एक तो अगर WEF से जुड़ी हुई इस तरीके की कोई रिपोर्ट आती है तो आप उसे आसानी से सही कर लेंगे। दूसरी चीज़, अगर कोई अन्य रिपोर्ट होती है और उस ऑप्शन में WEF की कोई रिपोर्ट होती है तो ऑप्शन एलिमिनेशन करने में आपको फायदा देंगी। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से जुड़ी हुई अन्य महत्वपूर्ण रिपोर्टों में शामिल है वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट, वैश्विक लिंग अंतर रिपोर्ट यानी जेंडर गैप रिपोर्ट। ये रिपोर्ट कई बार पूछी जा चुकी है, तो याद रखिएगा वैश्विक लिंग अंतर रिपोर्ट यानी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ही जारी की जाती है। तीसरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट और वैश्विक यात्रा पर्यटन रिपोर्ट। ये सभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाने वाली महत्वपूर्ण रिपोर्टें हैं, इन्हें आप लोग याद कर लीजिए। इसके साथ ही वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ही जारी की जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इस इंडेक्स से जुड़े हुए फैक्ट थे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ डायटम से जुड़ी हुई है। डायटम इन दिनों अखबार की सुर्खियों में बनी हुई है, इसका कारण क्या है? हाल ही में पूर्वी और पश्चिमी घाट से ताज़ा जल के इंडिकोनिमा नामक एक नए डायटम वंश की खोज की गई है। डायटम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लगातार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, इसलिए हम लोग इसे डिटेल में पढ़ेंगे। आपको ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी सेक्शन में टॉपिक मिलेगा। डायटम के बारे में अगर देखें तो ये एकल कोशिकीय शैवाल है। इनका संबंध फाइटोप्लैंकटन समूह से है। अब ये फाइटोप्लैंकटन समूह क्या होता है? बेसिकली सागरी जीवों को हम प्रमुख रूप से प्लैंकटन, नेक्टन और बेंथस के रूप में विभाजित करते हैं। गहराई के संबंध में ये विभाजन है, उसी में आता है प्लैंकटन समूह। प्लैंकटन समूह को भी हम फिर दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, एक फाइटोप्लैंकटन समूह, दूसरा होता है जूप्लैंकटन समूह। फाइटोप्लैंकटन समूह में बेसिकली हम लोग पादप समूह को रखते हैं। जिस तरीके से स्थल में पादप और जीव जंतु होते हैं, उसी तरीके से सागरों में जो फाइटोप्लैंकटन समूह होते हैं इसमें बेसिकली आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर आते हैं, खासकर आपके पादप वनस्पतियाँ, और दूसरे जूप्लैंकटन समूह जिसमें सभी जीव जंतु यानी कंज्यूमर आते हैं। तो आपको याद रखना है डायटम क्या है? एक फाइटोप्लैंकटन समूह है, इसका मतलब ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है, प्राथमिक उत्पादकता है सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र में। ये यूकैरियोटिक होते हैं और गतिहीन यानी अपने आप गति नहीं कर सकते हैं। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में आप लोगों जनरल साइंस में पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़ा है तो ये फर्स्ट टॉपिक होता है बायोलॉजी में जब हम लोग सेल वाला टॉपिक पढ़ते हैं। किसी भी जनरल बुक में आप इसे पढ़ सकते हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में। तो डायटम के बारे में यहाँ आपको याद रखना है, एकल कोशिकीय शैवाल होता है, फाइटोप्लैंकटन समूह से संबंधित होते हैं, गतिहीन होते हैं और ये यूकैरियोटिक्स हैं। पृथ्वी पर मौजूद एकमात्र जीव डायटम है जिनकी कोशिका भित्ति पारदर्शी ओपलीन सिलिका से बनी होती है। इस प्रकार देखें तो इनकी कोशिका भित्ति काफ़ी मजबूत होती है। वहीं अगर हम डायटम के महत्व के बारे में बात करें, जहां से प्रश्न आपके एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं, डायटम महासागरों में प्राथमिक उत्पादक है यानी प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, जैसा हमने अभी बताया आपको। ये वैश्विक स्तर पर ऑक्सीजन का लगभग 20 से 30% उत्पादित करते हैं।
इन्हें जलीय स्वास्थ्य का बेहतर संकेतक माना जाता है। डायटम वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को अवशोषित करके उसे शर्करा के रूप में जैविक कार्बन में बदल देते हैं और वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये जलीय खाद्य श्रृंखला के आधार के रूप में कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए डायटम, क्रस्टेशियस और हेरिंग्स, ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला है। जिस तरीके से स्थलमंडल में आप देखते हैं उत्पादकता, फिर उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और उच्च उपभोक्ता आते हैं, उसी तरीके से सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला है, जिसमें डायटम यानी प्राथमिक उत्पादकता प्रोड्यूसर आते हैं, फिर क्रस्टेशियस इसमें आते हैं शाकाहारी उपभोक्ता, और फिर हेरिंग्स इसमें आते हैं सभी मांसाहारी उपभोक्ता। ये समुद्री और झील के पानी के पोषक चक्र को बनाए रखते हैं। ये खाद्य श्रृंखला पूछी जा चुकी है तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग डायटम से जुड़े हुए कुछ प्रश्न देखते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। प्रश्न है, जीव के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार करना है, उपर्युक्त में से बताना है। ये चार आपको कथन दिए गए हैं। उपर्युक्त में बताना है कि कौन से जीव महासागरों की आहार श्रृंखलाओं में प्राथमिक उत्पादक है यानी प्राइमरी प्रोड्यूसर है। पहला है कॉपी पीपोड, दूसरा है साइनोबैक्टीरिया, तीसरा है डायटम, चौथा है फोरेमिनिफेरा। तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया कि डायटम क्या होते हैं, महासागरों में प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, तो तीन तो बिल्कुल सही है। तो जहाँ पर तीन नहीं है हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं। अब यहाँ पर तीन दिख रहा है ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में, तो बी और सी में कोई सा एक सही होगा। दूसरा आप देख रहे हैं साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें नील हरित शैवाल कहते हैं, तो ये भी क्या है, आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर है महासागरों में, सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र में। तो दो और तीन यहाँ पर सही हैं, महासागरों के जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है उनमें साइनोबैक्टीरिया और डायटम आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दो और तीन केवल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में बताना है कौन सा आहार श्रृंखला का सही क्रम है। तो ये महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र की अभी हमने ऊपर जो खाद्य श्रृंखला पढ़ाई थी उसी से संबंधित प्रश्न है। तो बताना है आहार श्रृंखला का कौन सा सही क्रम है। ऑप्शन है डायटम, क्रस्टेशियाई, हेरिंग, दूसरा है क्रस्टेशियाई, डायटम, हेरिंग, तीसरा है डायटम, हेरिंग, क्रस्टेशियाई, और चौथा है क्रस्टेशियाई, हेरिंग, उसके बाद डायटम। तो हमने ऊपर तो ये पढ़ लिया कि डायटम प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, तो प्रोड्यूसर हमेशा जो है श्रृंखला में पहले आते हैं, तो जहाँ पर डायटम होगा पहले वही ऑप्शन सही हो सकता है। तो यहाँ पर एक तो ए में है डायटम फर्स्ट नंबर पर, दूसरा है सी में, तो बी और डी एलिमिनेट हो जाता है। अब आपको दो में से एक सही करना, या तो ए होगा या तो सी होगा। हमने ऊपर पढ़ा डायटम के बाद क्या आता है, क्रस्टेशियाई आता है। ये क्रस्टेशियाई क्या है, ये महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी उपभोक्ता होते हैं, उसके बाद हेरिंग क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं। जैसे अगर स्थल पर बात करें तो पेड़ पौधे क्या होंगे, डायटम होंगे, अगर तुलना करें तो। फिर क्रस्टेशियाई क्या होगा, जो पेड़ पौधे को खाते यानी शाकाहारी उपभोक्ता यानी जो बकरी खरगोश होगा, उसके बाद जो खरगोश को खाएगा यानी जो मांसाहारी होगा, तो खरगोश को शेर खा सकता है, बाघ, चीता, ये सब क्या होंगे, हेरिंग होंगे। तो इसी तरीके से ये समुद्र की पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला है, डायटम, क्रस्टेशियाई और हेरिंग। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए सही। बढ़ते हैं अब अगली न्यूज़ की तरफ। आप जानते हैं 21 जून को अभी 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। तो योग के बारे में थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनाए जाते हैं। उसके बाद हम लोग 21 जून को ग्रीष्म संक्रांत या ग्रीष्म आयनांत भी होता है, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे। यहां से भी प्रश्न आपके एग्जाम में, अभी UPSC का जो 2024 का एग्जाम हुआ है लेटेस्ट, तब पूछा गया था, 2019 को भी यहां से प्रश्न पूछा जा चुका है, और कई बार कई स्टेट PCS में यहां से प्रश्न बना है। तो देख लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। विश्व भर में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र ने 2014 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया था। इसका उद्देश्य योग करने से जुड़े कई लाभों के बारे में विश्व भर में जागरूकता बढ़ाना है। तो योग दिवस का मतलब सीधा सही हो जाता है कि योग का प्रसार करना और योग से जुड़े हुए जो स्वास्थ्यवर्धक लाभ है उनके बारे में जागरूकता बढ़ाना। इसमें जो स्टेटमेंट याद करने लायक है कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2014 में, ये वर्ष याद रखना है, 2014 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया था। योग के बारे में कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देख लेते हैं। योग 6 भारतीय दर्शनों में से एक दर्शन है। आप 6 भारतीय दर्शनों के बारे में पढ़ते हैं, जिसे हम षट दर्शन कहते हैं। जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं वैदिक पीरियड, वहाँ पर आप इनका जिक्र पाते हैं। 6 दर्शनों में एक दर्शन है योग दर्शन, और उसके अलावा अगर 5 अन्य दर्शन देखें तो उसमें शामिल है वैश्विक दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, पूर्वी मीमांसा दर्शन, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन। हिस्ट्री में कई बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया है इन दर्शन और इन दर्शनों से जुड़े हुए इनके प्रवर्तक कौन है। तो योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, योग दर्शन के प्रवर्तक है पतंजलि, ये नाम आपको याद रखना है। वैश्विक दर्शन के प्रवर्तक हैं, वैश्विक दर्शन के प्रवर्तक हैं कड़ाद, न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं गौतमी, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि, पूर्वी मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी, वेदांत या उत्तरी मीमांसा के प्रवर्तक हैं बादरायण।
वैश्विक दर्शन के प्रवर्तक कौन से हैं? वैश्विक दर्शन के प्रवर्तक हैं कड़ाद। कौन से हैं? कड़ाद। और वेदांत या उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक हैं बादरायण। तो ये छह दर्शन और छह दर्शन से जुड़े हुए जो उनके प्रवर्तक हैं उनके नाम आपको याद होने चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, योग दर्शन के प्रवर्तक हैं पंतजलि, वैश्विक के कड़ाद, न्याय के गौतमी, सांख्य के कपिल मुनि। और सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है, सबसे पुराना दर्शन है। तो सांख्य के कपिल मुनि, पूर्वी मीमांसा के जैमिनी, वेदांत या उत्तरी मीमांसा के बादरायण। योग की उत्पत्ति के बारे में देखें तो योग आपको सिंधु घाटी की सभ्यता की कई मोहरों और जीवाश्म अवशेषों में भी योग अभ्यास के साक्ष्य मिल सकते हैं। तो इस तरीके से भी स्टेटमेंट बना के प्रश्न बन सकता है कि योग के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में मिलते हैं। आपने सिंधु घाटी सभ्यता को डिटेल में पढ़ा होगा, तो शायद इस फैक्ट को आपने कभी किसी बुक में पढ़ा हो। तो यही चीज़ होती है करंट अफेयर्स की, जब हम न्यूज़ पढ़ते हैं डिटेल में पढ़ते हैं तो कुछ एडिशनल फैक्ट हमको मिल जाते हैं जो एग्जाम में हमको मददगार साबित होते हैं। इस तरीके से जब स्टेटमेंट बना के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिस तरीके से एग्जाम पैटर्न आपका चेंज हुआ है 29 बीपीएससी में हमने प्रश्न देखे थे, तो ऑब्वियसली अब वन लाइनर करंट अफेयर्स की किताबों से मैगजीनों से आपका काम नहीं चलेगा, डिटेल में पढ़ना होगा। और बदलते एग्जाम पैटर्न के अनुसार अब जिस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं उस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ना होगा। तो योग सिंधु घाटी सभ्यता की कई मोहरों में आपको मिल जाएगा। साक्ष्य के तौर पर योग शब्द का उल्लेख आपको चारों वेदों में मिलेगा, तो चारों वेदों में योग शब्द का उल्लेख किया गया है। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के पंतजलि के योग सूत्र में योग का व्यवस्थित तरीके से उल्लेख किया गया है और योग दर्शन पूरा है और इसके प्रवर्तक भी पंतजलि हैं। पंतजलि की एक महत्वपूर्ण रचना है जो कई बार आपके एग्जाम में आ चुकी है, ये रचना है महाभाष्य। तो याद रखिएगा पंतजलि की रचना कौन सी है? महाभाष्य। इंपॉर्टेंट ये रचना है, बुक है, इसे आप लोग जरूर याद रखिए। अच्छा, आप लोग मेंस एग्जाम में योग को जब भी इंटरनेशनल रिलेशनशिप से कोई प्रश्न आए तो सांस्कृतिक कूटनीति के संबंध में आप इसे एक एडिशनल पॉइंट के रूप में दिखा सकते हैं कि भारत किस तरीके से योग को अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से रिलेट करके अन्य देशों के साथ अपने संबंधों को बेहतर और प्रगाढ़ कर सकता है। तो ये योग को आप मेंस एग्जाम में भी बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने आंसर को इनरिच कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं ग्रीस में संक्रांति या आयनांत जिसे कहते हैं 21 जून को होता है। यहाँ से कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है और सूर्य की किरणें सीधे कर्क रेखा पर पड़ती हैं। तो 21 जून को याद रखिए कि सूर्य की किरणें सीधे कर्क रेखा पर पड़ती हैं और कर्क रेखा पर सीधे सूर्य की किरणें पड़ने के कारण इस दिन आपको सबसे लंबा दिन उत्तरी गोलार्ध का मिलेगा और सबसे छोटी रात मिलेगी। उत्तरी ध्रुव के सूर्य की ओर झुकाव या उन्मुख होने के चलते आर्कटिक वृत्त से उत्तर में मौजूद स्थानों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन का उजाला रहता है। इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात 21 जून को ही होती है। इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में ठीक इसके उलट स्थितियां होती हैं, अर्थात सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। ये आप देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, 21 जून का जो दिन होता है यहाँ पर सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत रूप से चमकता है, फिर 21 जून के बाद धीरे धीरे सूर्य जो है वो दक्षिणी गोलार्ध की तरफ झुकने लगता है और अंत में जब ये 21-22 दिसंबर की डेट आती है तो दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सूर्य जो है लंबवत रूप से चमकता है। यानी 22 दिसंबर की ये जो डेट है इस दिन मकर रेखा पर सबसे लंबा दिन आपको मिलेगा और सबसे छोटी रात मिलेगी, यानी 21 जून की बिल्कुल उलट स्थिति हो जाती है इस 22 दिसंबर को। और इसके बीच ये जो जून और दिसंबर के बीच का ये जो टाइम है यहाँ पर सूर्य उत्तरी गोलार्ध में झुका होता है तो आपको आर्कटिक व्रत के ऊपर 6 महीने लगातार दिन मिलेगा। उसी तरीके से जून और दिसंबर के बीच का ये जो टाइम पीरियड है यहाँ पर सूर्य मकर रेखा की तरफ झुका होता है, सूर्य जो है वो दक्षिणी गोलार्ध की तरफ झुका होता है, इसलिए दक्षिणी आर्कटिक व्रत के ऊपर आपको लगातार यहाँ पर दिन मिलेगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफी में, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप इसे और अच्छे से समझ पा रहे होंगे। फिलहाल हमने यहाँ पर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ से जितना इंपॉर्टेंट है उतना समझा दिया। अब इसी से रिलेटेड एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न पूछा गया था 21 जून को सूर्य की स्थिति होती है, ऑप्शन था आर्कटिक व्रत में क्षितिज के नीचे नहीं होता है, आर्कटिक व्रत में क्षितिज के नीचे नहीं होता है, अंटार्कटिक व्रत है, यह है आर्कटिक व्रत। आर्कटिक व्रत आपको उत्तरी गोलार्ध में मिलेगा और अंटार्कटिक व्रत आपको मिल देता है दक्षिणी गोलार्ध में। तो पहला स्टेटमेंट है 21 जून के संदर्भ में कि आर्कटिक व्रत में क्षितिज के नीचे नहीं होता है सूर्य। दूसरा स्टेटमेंट है अंटार्कटिक व्रत में क्षितिज के नीचे नहीं होता है सूर्य। तीसरा स्टेटमेंट है भूमध्य रेखा पर दोपहर में लंबवत रूप से ऊपर की ओर चमकता है। ऑप्शन डी है मकर रेखा पर लंबवत रूप से ऊपर की ओर चमकता है। तो 21 जून को हमने पढ़ा कि यह कर्क रेखा पर लंबवत रूप से चमकता है, तो ऑप्शन डी तो गलत हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर नहीं, कर्क रेखा पर लंबवत रूप से चमकता है। अब ये जो ऑप्शन ए और बी है, ऑप्शन ए कह रहा है आर्कटिक व्रत में क्षितिज के नीचे नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो आर्कटिक व्रत में क्षितिज के नीचे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सूर्य जो है वो लंबवत रूप से उत्तरी गोलार्ध की तरफ झुका हुआ होता है, यहाँ पर 6 महीने लगातार दिन होता है, सूरज यहाँ पर नहीं डूबता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर अंटार्कटिक व्रत में क्षितिज के नीचे नहीं होता है, अगर ये स्टेटमेंट सही करना होता तो 21 जून की जगह पर क्या दिया होता है, यहाँ पर 22 दिसंबर दिया होता, राइट।
तो इस तरीके से भी प्रश्न अगर बदल के पूछ लिया जाए तो भी आप लोग उसके लिए तैयार होना। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 21 जून को सूर्य की स्थिति आर्कटिक वृत्त में क्षितिज के नीचे नहीं होगी। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है विश्व निवेश रिपोर्ट के संबंध में, जिसे हाल ही में जारी किया गया है। आपको प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट से याद रखना है कि विश्व निवेश रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो ये जारी की जाती है संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास यानी अंकटाट के द्वारा। मेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ से इसका ये डाटा याद आप लोग रख लीजिए, कभी भी FDI से रिलेटेड कोई प्रश्न आता है, ट्रेड रिलेटेड प्रश्न आता है, तो आप इस डाटा को यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे में भी इस तरीके का कोई ऐसे आता है तो ये डाटा आपको पता होना चाहिए। इस तरीके के डाटा आपके आंसर को इनरिच करते हैं, एक एडिशन वैल्यू आपके आंसर को देते हैं। तो विश्व निवेश रिपोर्ट जो अंकटाट के द्वारा जारी की जाती है, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2023 में वैश्विक स्तर पर FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर प्रवाह में 2% की कमी आई है। इस चीज़ को आप याद रखिए, भारत में भी FDI अंतर प्रवाह में काफ़ी कमी दर्ज की गई है। संधारणीय वित्तीय उत्पादों के जरिए सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु निवेश के लिए धन जुटाने में भी समस्या आ रही है। तो FDI के संदर्भ में आप याद रखिए कि अंकटाट के द्वारा जो विश्व निवेश रिपोर्ट जारी की गई, इसके अनुसार बताया जा रहा है कि भारत में FDI अंतर प्रवाह में काफ़ी कमी दर्ज की गई, वहीं वैश्विक स्तर पर देखें तो FDI अंतर प्रवाह में 2% की कमी आई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों के संबंध में। हाल ही में अफ्रीकी देश चाड 2024 में ह्यूमन अफ्रीकी ट्रिपैनोसोमियासिस, जिसे नींद की बीमारी कहते हैं, के गैम्बियस संस्करण नामक NTD यानी निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग का उन्मूलन करने वाला ये अफ्रीका कॉन्टिनेंटल का पहला और वैश्विक स्तर पर 91वां देश बन गया है। तो ये नींद की बीमारी जो है ट्रिपैनोसोमियासिस, ये परजीवी के कारण होने वाला एक वेक्टर जनित रोग है। तो इस तरीके के रोग आपके जनरल साइंस में भी पूछे जाते हैं, परजीवी कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण या वायरस कवक के द्वारा होता है। तो करंट में ये डिजीज अब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ट्रिपैनोसोमियासिस, नींद की बीमारी जिसे कहते हैं, परजीवी के कारण होता है, याद रख लीजिए। और ये अफ्रीकी कॉन्टिनेंटल का चार देश इसका उन्मूलन कर चुका है और इस तरीके से ये पहला अफ्रीकी देश बन गया है। ओवरऑल वैश्विक स्तर पर 91वां देश बन गया है इस बीमारी का उन्मूलन करने वाला। अब ये उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग क्या होता है? उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग अलग अलग प्रकार के रोग जनकों जैसे वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी, कवक आदि के कारण होने वाला संक्रामक रोग है। तो ये उदाहरण के लिए डेंगू, चिकनगुनिया, कुष्ठ रोग, ये सभी उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग ही हैं। मुख्य रूप से उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग जो है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रहने वाले निर्धन समुदायों के लोग इससे ग्रस्त होते हैं। खासकर आप देखेंगे अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल में जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, कर्क और मकर रेखा के बीच वाला क्षेत्र, यहाँ पर आपको उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग काफ़ी व्यापक स्तर पर मिल जाएगा। उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग का शीघ्र पता चलने पर इनकी रोकथाम और उपचार यहाँ पर दोनों संभव है। भारत से गिनी वर्म, ट्रैकोमा, याद जैसे उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों का उन्मूलन किया जा चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग, लगातार ये कई सालों से अखबार की सुर्खियों में बनी हुई है और कब आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए इसका कोई खाड़ा नहीं है। तो याद रख लीजिए उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग क्या होता है, ये किस तरीके से फैल सकता है, स्टेटमेंट बना के दे सकता है। डेंगू एक प्रकार का उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, स्टेटमेंट सही होगा जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा। तो आप लोग सभी प्रकार से तैयार रहिएगा, न्यूज़ को हमने डिटेल में यहाँ आपको बता दिया। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एशियाई शेरों के संबंध में। गिनी वन से छाए एशियाई शेर बरदा वन्यजीव अभयारण्य में पलायन कर गए हैं और इसके कारण ये फिर से एक बार अखबार की सुर्खियों में एशियाई शेर आपको मिल जाएगा। बरदा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, ये गुजरात का वन्यजीव अभयारण्य है। बेसिकली एशियाई शेर का जो पर्यावास है वो केवल गिरिवन और गुजरात के सौराष्ट्र के अन्य क्षेत्रों में ही ये पाए जाते हैं, खासकर गिरिवन में पाए जाते हैं। और इस गिरिवन से इस टाइम देखा जा रहा है कि 6 एशियाई शेर बरदा वन्यजीव अभयारण्य की ओर जो है पलायन कर गए हैं। एशियाई शेरों की अगर हम संरक्षण की स्थिति देखें तो IUCN में ये एंडेंजर्ड लिस्ट में शामिल है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एशियाई शेरों की विशेषता आपको पता होनी चाहिए, ये अफ्रीकी शेरों की तुलना में देखें तो ये छोटे होते हैं। अफ्रीकी शेर और एशियाई शेर इन दोनों के बीच तुलनात्मक रूप से स्टेटमेंट बना के ये बन सकता है। तो याद रखिएगा एशियाई शेर अफ्रीकी शेर की तुलना में जो है वो छोटे होते हैं। एशियाई नर शेरों की आयाल कम घनी होती है। शेरों का कोई विशेष प्रजनन काल नहीं होता है, ये स्टेटमेंट अभी UPSC का 2024 का जो एग्जाम हुआ है वहाँ पर स्टेटमेंट था शेरों के संबंध में। तो याद रखना है आपको शेरों का कोई विशेष प्रजनन काल नहीं होता है। दूसरी चीज़ एशियाई शेरों के बारे में याद रखना है, ये अफ्रीकी शेरों की तुलना में छोटे होते हैं। एशियाई शेर का पर्यावास केवल गिरिवन और गुजरात के सौराष्ट्र के अन्य संरक्षित क्षेत्रों में ये देखने को मिलेंगे। IUCN की लिस्ट में ये एंडेंजर्ड श्रेणी में शामिल हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। बरदा वन्यजीव अभयारण्य पूछ लिया जाए तो कहाँ लगाएंगे, ये गुजरात का वन्यजीव अभयारण्य है जहाँ पर हाल ही में गिरिवन से जो है 6 एशियाई शेर पलायन कर गए इस वन्यजीव अभयारण्य में।
तो ये सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित। इन दिनों लोकसभा अध्यक्ष का पद काफ़ी चर्चा में है। अभी तक जो नई लोकसभा का गठन हुआ है, 18वीं लोकसभा का गठन, उसमें स्थायी तौर पर किसी भी व्यक्ति को अभी तक लोकसभा का अध्यक्ष नहीं बनाया गया है, तो ये पद काफ़ी चर्चा में है। तो लोकसभा अध्यक्ष के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं पॉलिटिक्स सेक्शन में, यहाँ से प्रश्न अब आपके एग्जाम में बन सकता है। लोकसभा अध्यक्ष के पद की उत्पत्ति के बारे में देखें तो 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत इसको इस्टेब्लिश किया गया था। लोकसभा अध्यक्ष को प्रेसिडेंस और लोकसभा उपाध्यक्ष को डिप्टी प्रेसिडेंट कहा जाता था। फिर बाद में भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट्स के नामों को क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यानी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर में बदल दिया गया। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी होगी कि लोकसभा अध्यक्ष की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1981 में इस पद को इस्टेब्लिश किया जाता है। जब इस पद को इस्टेब्लिश किया जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष को प्रेसिडेंट कहा गया और उपाध्यक्ष को डिप्टी प्रेसिडेंट कहा गया। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यानी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो नाम है ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत दिया गया था। लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन की बात करें तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इन दोनों का निर्वाचन अनुच्छेद 93 के तहत भाग 5 में आपको देखने को मिल जाएगा। एक साधारण बहुमत के द्वारा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को चुना जाता है। ये पुनः निर्वाचन हेतु भी पात्र हैं, यानी लोकसभा का जब गठन होता है तो लोकसभा सदस्यों में से ही जो सदस्य होते हैं साधारण बहुमत से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का चयन करते हैं। ये आर्टिकल 93 और भाग 5 में दिया गया है। पुनः निर्वाचन हेतु पात्र, यानी एक बार अध्यक्ष बन चुका है तो दोबारा से वो बन सकता है, पुनः निर्वाचन होने के पात्र होता है। कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल इनका 5 वर्ष होता है। अगली लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले तक इनका कार्यकाल होता है, यानी इनका कार्यकाल बेसिकली 5 साल का होता है। जैसे प्रधानमंत्री का काल जो है सामान्यता 5 साल का होता है, लेकिन लोकसभा का विघटन हो जाता है, सरकार गिर जाती है, तो उनका कार्यकाल वहीं पर क्या है खत्म भी हो जाता है। तो सामान्यतः लोकसभा का जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष होता है 5 वर्ष के लिए कार्यकाल होता है। अगली लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले तक इनका जो पद है बना रहता है। लोकसभा के भंग होने पर अध्यक्ष यानी जो स्पीकर होता है वो अपना पद तुरंत खाली नहीं करता है। लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों के बारे में देखें तो लोकसभा में भारत के संविधान के प्रावधानों का अंतिम व्याख्याकार होता है। उसके निर्णय प्रकृति में बाध्यकारी होते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। गणपूर्ति के अभाव में सदन को भंग या बैठक को स्थगित कर सकता है। गणपूर्ति का मतलब होता है सदस्य का 1/10 जब सदस्य नहीं होते उस सदन में, तो उस टाइम वो सदन को भंग भी कर सकता है, बैठक को स्थगित कर सकता है। गतिरोध को दूर करने के लिए अपने मतदान का प्रयोग कर सकता है। निर्णय करता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। लोकसभा के सदस्यों की अयोग्यता 10वीं अनुसूची के तहत यह शक्ति 92 शक्ति संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से प्रदान की गई थी। तो लोकसभा सदस्यों की अयोग्यता को निर्धारित करता है। दल बदल के आधार पर इस तरीके का कोई जब निर्णय लेना होता है तो ये लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। धन विधेयक को डिफाइन करता है लोकसभा अध्यक्ष। अब नीचे यहाँ पर लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से हटने के संबंध में शर्तें दी गई हैं। पहली है यदि वह लोकसभा का सदस्य नहीं रहता है तो उसके अध्यक्ष का पद खत्म हो जाएगा। उपाध्यक्ष को अगर अध्यक्ष लिखित त्यागपत्र देता है तो उस कंडीशन में। और तीसरी प्रभावी बहुमत से, अगर लोकसभा प्रभावी बहुमत से लोकसभा अध्यक्ष को हटाना चाहती है तो भी उसे हटा सकती है। तो ये कुछ कंडीशन है जब लोकसभा के अध्यक्ष का पद समाप्त हो सकता है, हट सकता है। पहला क्या है, लोकसभा का सदस्यता अगर उसकी खत्म होती है तो उसके अध्यक्ष का पद भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा के अध्यक्ष होने की अनिवार्य शर्त है कि सदस्य होना चाहिए। लोकसभा सदस्य ही अपने सदस्यों के बीच से चुनाव करते हैं लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को लिखित पत्र देकर अपने पद से वो हट सकते हैं। और दूसरा, प्रभावी बहुमत के द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है। तो इस तरीके से लोकसभा अध्यक्ष के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन पर हमने डिटेल में डिस्कशन कर लिया है। देखते हैं अब अगली न्यूज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अभी विनोद गनात्रा को दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, विनोद गनात्रा फिल्मों में अपने योगदान के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रतिष्ठित नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं। तो ये अवार्ड इसलिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि ये अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय हैं। तो नाम याद रखिएगा, विनोद गनात्रा नाम है, और इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है, नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इस तरह हमने सभी डिटेल्ड करंट अफेयर्स 22 जून की जो थी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उन पर हमने चर्चा कर ली है। अब हम लोग आज का क्वेश्चन ऑफ द डे देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक प्रश्न है जो बच्चे यूपीपीसीएस यूपीपीसीएस आरओ आरओ का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट करंट न्यूज है। गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए विश्व का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में खोला जाएगा? अगर ये प्रश्न आपके एग्जाम में आता है तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, महाराजगंज। तो गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए विश्व का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में खोला जाएगा, इसे याद रखिए, इंपॉर्टेंट है।
आज का क्वेश्चन ऑफ द डे देखने से पहले कल के क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर देख लेते हैं। कल का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था वो प्रश्न था, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 के संदर्भ में बताना था निम्नलिखित में से कितने कथन सही हैं। पहला कथन था इसे विश्व आर्थिक मंच WEF के द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा, इस वर्ष एस्टोनियो शीर्ष रैंक पर रहा जबकि वियतनाम को अंतिम 180वीं रैंक प्रदान की गई। इस सूचकांक में भारत को 176वीं रैंक प्राप्त हुई है। तो 20 जून की करंट अफेयर्स की क्लास को जिसने अच्छे से देखा होगा उन सभी बच्चों ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया होगा। हमने बताया था पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक इसे एल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है, ना कि WEF के द्वारा। बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं क्योंकि एस्टोनिया इस वर्ष पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहा, वियतनाम को इस बार 180वीं अंतिम रैंकिंग प्राप्त हुई और भारत पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में 176वीं रैंक पर रहा। तो इस तरीके से कल के क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर होगा केवल दो, पहला स्टेटमेंट गलत होगा, बाकी के दोनों स्टेटमेंट दो और तीन स्टेटमेंट सही हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, केवल दो सही। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि हाल ही में पटना हाईकोर्ट ने बिहार में आरक्षण की सीमा से संबंधित अधिसूचना को रद्द कर दिया है। इस न्यूज़ से जुड़ी हुई खबर हमने अपने टेलीग्राम पर एक पिक फॉर्म में आपको प्रोवाइड की थी और ये काफ़ी चर्चा में है। तो आई होप आप सभी लोग इस प्रश्न का सही जवाब देंगे। एक बार मैं फिर से प्रश्न को पढ़ देता हूँ। प्रश्न है, हाल ही में पटना हाईकोर्ट ने बिहार में आरक्षण की सीमा से संबंधित अधिसूचना को रद्द कर दिया है। आपको वो सीमा बताना है जिस सीमा आरक्षण की सीमा को पटना हाईकोर्ट ने रद्द किया है। पहला ऑप्शन है आरक्षण को 50% से 75% करना। दूसरा ऑप्शन था आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करना। तीसरा ऑप्शन सी है आरक्षण को 33% से बढ़ाकर 50% करना। ऑप्शन डी है आरक्षण को 33% से बढ़ाकर 65% करना। तो हाल ही में बिहार सरकार ने आरक्षण की सीमा को बढ़ाने की अधिसूचना जारी की थी जिसे पटना हाईकोर्ट में रद्द कर दिया। आपको बताना है उस अधिसूचना से संबंधित आरक्षण की सीमा कौन सी है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। जब तक आप लोग पढ़ते रहें, जहाँ वहाँ सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहें। कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। बाकी क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक और कमेंट करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप लोग सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद। बाय बाय।